Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये क्या है? मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं मरूंगी, मैं मर जाऊंगी, ये बिल नहीं मरूंगी। अरे सर जी को किस तरह के कपड़े पसंद है वो क्या बनाएंगे? क्यों तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, समझी? और वैसे भी मायर तुम्हें तो पता होगा ना कि वो रिंग तुमने कहाँ से ली थी, तो बस उसी मॉल ले चलो मुझे। क्या मतलब है? मायर को कैसे पता? फिर आ गई तुम? क्यों मेरे आने पे तुम्हें टैक्स भरना पड़ता है क्या? ये ले आप सबके लिए गर्मा गर्म बिरयानी। क्या उम्र है भांजी की? 2.5 साल है जी। डॉक्टर को दिखाया? जी डॉक्टर साहब ने ना दवाइयाँ दी हैं और दिन में ना एक टाइम वो कराने के लिए कहा है। यही है जिंदगी। अरे बिल्लो तुम्हारी भांजी थी ना, आजकल स्कूल जा रही है? हाँ जी वो तो बहुत खुश है, बस आजकल ना थोड़ी सी बीमार है। अरे क्या हुआ है? कोई नजला जुकाम और क्या। तो भाई किसी डॉक्टर को दिखाए हैं? हाँ जी वो ना कह रहे हैं उसको वो कराओ, क्या कहते हैं जी वो नेबू करके जो होता है कुछ नेबू। अच्छा 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 नेबुलाइज। हाँ हाँ नेबुलाइज। हाँ हाँ तो करवाया तुमने? कहाँ सर जी करवाऊंगी, जरा रुक के भाई करवा लो, आजकल मौसम ऐसा ही है, बच्चों की तो बड़ी केयर करनी पड़ती है। क्यों नहीं करा रही? मुझे पता है कुछ पैसों की जरूरत है, बता दो। नहीं नहीं सर जी पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं मुझे पता है तुम इसीलिए नहीं करवा रहे। तुम लोग सर, सर जी आप देखने शर्मिंदा करें। ये लो, ये लो, ये रख लो, बल्कि सारे रख लो। नहीं सर जी मैं नहीं ले सकती। रख लो भाई। क्यों कर रहे हो सर जी इतना एहसान आप? कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पैसे रख। बीबी जी को पता चल गया तो उनको बुरा लग जाएगा। तुम उनकी फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। अरे अल्लाह हर इंसान को आप जैसा बनाए, आमीन। क्या बात है, इस टेरिस पे खड़ी है, किसी का इंतजार है, कोई घर वाला आ रहा है क्या? मुझे जरा एक बात तो बताइए, आपने बिल्लो को पैसे दिए? हाँ हाँ दिए थे, उसको जरूरत थी। उसने कहा था कि उसे जरूरत है? नहीं कहा तो नहीं था, लेकिन उसकी भांजी की तबीयत खराब थी, मैंने सोचा कुछ पैसे दे दूं उसे। तो क्या हो गया? आपने उसे पैसे क्यों दिए? अरे क्यों नहीं देने चाहिए थे भाई? यार ये आप कब से इतनी सेल्फिश हो गई है? कल कला का खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों की तबीयत खराब हुई तो फिर हम क्या करेंगे? कभी ये सोचा आपने? ऐसी नेगेटिव सोच नहीं रखा करें आप। इजाज मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप एक नौकरानी को बिना वजह इतना फेवर क्यों दे रहे हैं। क्योंकि आप उसके साथ ज्यादती कर रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ ज्यादती कर सकती हूँ? आपको अच्छी तरह पता है कि मैं खुदगर्ज नहीं हूँ। आपसे पहले बिल्लो मेरे पास आई थी और उसने मुझे सारी सिचुएशन बताई। मैं उसे पैसे भी दे देती लेकिन इसलिए नहीं दिए कि पहले वो डॉक्टर से बात कर ले कि सिचुएशन क्या है, लेकिन वो फौरन आपके पास पहुंच गई पैसे लेने के लिए। आप इतनी मनफी सोच क्यों रखती हैं? बच्चे की मोहब्बत तो ऐसी होती है, अपनी भांजी की मोहब्बत में उसको करार नहीं आया इसलिए वो मेरे पास आ गई। तो क्या हो गया? मुन्नी बातों का मजबूत पहलू ही समझने की कोशिश क्या करें, 2-4 हजार से कोई अपना महल नहीं खड़ा कर लेगी वो। मगर मुझ पर जो आपका भरोसा है ना वो बिल्लो अपनी चापलूसी से तोड़ रही। आप बिल्ला वजह अपने आप को अनसिक्योर फील कर रही हैं। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, परेशान ना हो। और बात सुने, इन टेंशनों से निकल के ना अजान की केयर करें, बस सारे काम छोड़ दें। कौन क्या कर रहा है आप सिर्फ अजान पे तवज्जो दें, समझे? मैं सोच रही हूँ कि आज कहीं बाहर चल के इफ्तारी करें। गुड आइडिया। बड़े दिन हसीना। क्या हुआ? अरे मर गई, मर गई। अल्लाह अल्लाह। क्या हो गया? मर गई।
सांस नहीं आ रही थोड़ी देर के बाद मैं भी ठंडे हो जाऊंगी। अल्लाह ना करे, हालात काम करो तुम, चलो फिर डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास ले जाए? नहीं नहीं, डॉक्टर के नहीं जाना मुझे। नहीं, हालात तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं खाया मैंने, बस थोड़ी देर पहले एक तरबूज खाया था। क्या, पूरा एक तरबूज खा लिया आपने? हाँ, तो भूख लग रही थी मुझे बहुत तेज, फ्रिज खोला तो उसमें ठंडा ठंडा तरबूज रखा था, इतना मजे का लगा मैंने तो पूरा खा लिया। ओ खाला, तरबूज खाने से कोई नहीं मरता, पेट में पानी भर गया होगा, अभी ठीक हो जाएगा। हाय हाय बेटा, इतनी दफा मैंने हसीना से कहा है कि मुझे दो रोटियां डाल दिया करे, लेकिन ये तो इतनी मसरूफ होती है कि मेरी कुछ सुनती ही नहीं। खाला, दो रोटियों से तुम्हारा क्या होगा, तुमने तो पूरा तरबूज हड़प लिया, ठीक हो जाओगी अभी, कुछ नहीं होता तुम्हें। मैं हसीना, तुझे नहीं पता मेरी एक दोस्त थी रुखसाना, वो आम खाते हुए मर गई थी। क्या, आम खाते हुए कोई कैसे मर सकता है? हाँ हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, मेरी दोस्त थी रुखसाना, वो आम खाते खाते मर गई, जैसे ही उसने आम खाना शुरू किया गुटने उसके हालत में नाक जतन कर लिए, मेरी दोस्त इस दुनिया से निकल ली, लेकिन वो गुटली अलग से नहीं निकली। खाला बस कर दो, मैं रात जाए, आपको काम से जाना है। मैं ले चलता हूँ इनको डॉक्टर। अरे मैं इनको संभाल लूंगी ना। नहीं बेटा जा, तू जा, परेशान ना हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। ख्याल रखना इनका। क्या जरूरत थी सारा ड्रामा करने की, मेरे मियाँ के सामने शर्मिंदा करा दिया मुझे। मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? खुदा का खौफ करो खाला, नियत खराबी की भी हद होती है, 7 किलो का तरबूज हड़प गई, हैजा हो जाएगा। अरे अरे क्या, छिलका सब मैं थोड़ी खा लिया था मैंने, छिलके भी तो थे उसके अंदर 5 किलो के, देखो जरा 7 किलो। नहीं भैया, वाकई तो मैं तो डर गया, अब तेरे साथ नहीं जाऊंगी, थोड़ी चीज देनी नहीं देती। अम्मा रश देखा था कितना था, ऊपर से गर्मी, और तू कौन सा कुछ चीजें ले रही थी, बस कीमतें ही पूछ रही थी हर दुकान में जाकर। भाई अल्लाह, बदतमीज, तू तमीज से बात करते हैं। उठो भाई जल्दी, ज्यादा तो ना क्या हो गया, अंदर जाके मरो। यार बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही यार मेरी। अच्छा अभी हिम्मत नहीं हो रही, रंग जा रहा, देखना कैसे दौड़ेगा। खबरदार खबरदार, जो किसी ने चौधरी नियाज को मना किया किसी भी चीज से। रोजाना क्या एहसान करता है, एहसान जताता है ना। रुक, तुझे मैं बताऊं, तोड़ रोजा, खाना छोड़ो ना, तुम्हें क्या हो गया? दूध भी नहीं हुआ, मैं तो पहला गर्मी लगनी मुझे तो बहुत होती है। लाओ जला, मैं भी काम तारी बनाती है ना, ये तारी बनाने जा रही हूँ। अरे ये क्या घटिया वाले बे, तूने रोजा नहीं रखा? कसम से यार बोली, मैंने रखा था रोजा, वो क्या है ना, सुबह को जब मैं नमाज पढ़ने गया तो वापस आ रहा था, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, क्या मेरा भी दिल चाह मैं भी खेल लूं, गर्मी बहुत थी ना यार, चक्कर आके नीचे गिर गया, उन्होंने मुझे पानी पिला दिया तो रोजा खुद ही टूट गया, तो मैंने कहा यार घर आके फिर खाना भी खा लूं। देखो शर्म कर यार, तूने अपना रोजा तोड़ दिया, कैसा आदमी तू? अबे यार अब टूट गया ना यार, अब तू किसी को बताइयो नहीं यार प्लीज। इधर हम बगैर शहरी के जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़े और तू कानू तोड़ रहे। अबे गलती हो गई यार, गलती हो गई बोली, मैं माफी मांग लूंगा अल्लाह मियां से। आलम याद रखे, अल्लाह तुझे माफ कर देगा, लेकिन कयामत के रोज मैं तेरा गिरबान रखूंगा, तूने बिना शहरी के रोजेदार के आके खाना खाया कमीने। अबे तो मेरा क्या कसूर है यार, मैं तो चुपके खा रहा था, तू ही पता नहीं कहां से आ गया। तुझे आजाद मिलेगा, तू दो रख में जलेगा, याद रखियो। अबे जा भाई जा, तू निकल यहाँ से। अबे यार मजबूरी थी, टूट गया रोजा, खाऊंगा मैं, और तुझे जिसको बताने ना बता दे, तू जा यहाँ से।
ले ले खाएगा, तू भी खाएगा, कर कर जल्दी खा भाई, कोई और ना आ। क्या हो गया, क्या हो गया गोली? ये बताओ, ये चकोर पराठा तुमने बनाया है? यही है जिंदगी। आज कैसे टपक पड़ी? कभी खुशी खिलाकी से इस्तकबाल कर लिया करो, कुछ गुला धुल जाएंगे तुम्हारे। ज्यादा ना मुलानी बनने की जरूरत नहीं है। फिर रुकने आई हो? नहीं, कुछ मांगने आई हूँ। क्या? सूजी चाहिए, हलवा बनाना है। जितनी दूर से यहाँ मांगने आई हो, तुम्हारे घर के बराबर में दुकान थी, वहाँ से ले लेती। तुमने बड़ी नजर जमा रखी है मोहल्ले में। मेरी मर्जी, मैं सूजी जहाँ से भी लूँ। ला रही हूँ, यहीं खड़ी रहना। और सुनो, ज्यादा ताका झाकी करने की जरूरत नहीं है। अरे सपना जी आई है, आज कुछ बना कर नहीं लाई? बना ही तो रही हूँ। क्या? हलवा सूजी का, खाओगे? ये लो, और कुछ? नहीं शुक्रिया, वैसे भी पक्के इसी घर में ही आना है। चकोर पराठा तुमने बनाया है? ये पराठा नहीं है गोली, होश में आओ। अच्छा आसान हो गई मगरिब की? अभी दो घंटे पड़े हैं। दो घंटे के गोली, दुआ मांगो, नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें हिम्मत देगा। अरे ऐसे बड़े बड़े लेट कर दुआ नमाज हो सकती? उफो, ऐसे कर रहे हो जैसे हमने भी बगैर सारी कितने रोजे रखे हैं, ऐसी हालत तो नहीं होती। जिस तरह से नहुसत फैला रहे हो ना, इससे तो बेहतर है रोजा खोल ही लो। खोल लो, खोलने कह रहे हो दो घंटे, यानी बोल लो, ध्यान दे दूंगा, सही में आऊंगा, रोजा नहीं तोड़ूंगा। तो पड़े रहो, मरे रहो। ये पराठा ले आओ, चकोर पराठा, वरना खाऊंगा पराठा। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही? कहीं नहीं जा रही, घर में ही हूँ। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्या होगा मुझे? अच्छा, रोजा लग रहा होगा तुम्हें शायद। हाँ लग रहा है, तो रोजा सिर्फ तुम मर्दों को लग सकता है। हम औरतें तुम मर्दों से ज्यादा काम करती हैं, फिर भी नहीं जताती। सब ठीक तो है? सॉरी। यार आखिर बिना वजह उसको कैसे निकाल दूं? कैसी बातें कर रही हो तुम? एजे आप नहीं जानते, वो नौकरानी बहुत चलाक है। ये काम करने वालियां बहुत चलाक होती हैं। मैं नोट कर रहा हूँ काफी दिन से, तुम और मुन्नी बिल्लो के आने के बाद से बहुत अजीब अजीब से रिएक्शन दे रही हो। क्योंकि उस नौकरानी की हरकतें ठीक नहीं है, इसलिए तो रिएक्ट करेंगे ना। अरे ऐसा क्या कर दिया उसने? आप नहीं समझेंगे एजे। रोज ठीक कह रही है जास, आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। ओहो, आखिर क्यों नहीं समझ सकता मैं भाई? वो नौकरानी बड़ी चालाकी से आपको बेवकूफ बना रही है और आप समझ ही नहीं रहे इस बात को। मुझे तो लग रहा है आप दोनों बिल्लो के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हैं। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान ना हो। इजाज़ मैं चाहती हूँ कि बिल्लो को इस घर से निकाले। अरे आखिर कोई वजह भी तो हो, उसने कोई बदतमीजी की हो, किसी के साथ ज्यादती की हो, चोरी की हो, हर एक के साथ वो इतनी तमीज से अखलाक से मिलती है, क्या हो गया तुम दोनों को? सी यही उसकी चालाकी है कि आप उसकी इतनी तारीफें कर रहे हैं। यार एक तो आप दोनों की मन तक मेरी समझ से बाहर है, बिना वजह मैं किसी को नौकरी से निकाल सकता। बस बिल्लो इसी घर में रहेगी और यहीं पे काम करेगी, दैट्स इट, मेरा फैसला है। लोग तो पीछे पड़ जाते हैं। देखा, सुन लिया, कितना फेवर करते उस नौकरानी की है। आजकल तो बस बिल्लो 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 ही चल रहा है, कुछ सोचो। तो समझ नहीं आ रहा ये हम दोनों को घर से बाहर ना निकलवा दे।
सर जी ये? शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? आपने मेरी तरफदारी की है ना, इसीलिए। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, बस मैं चाहता हूँ कि इस घर में किसी के साथ जाती ना। जी गुड्डू, गुड्डू बेटा, गुड्डू बेटा मेरी मदद कर दे बेटा। अरे यार खाला, तुम क्यों मुझ पर कयामत ढा रही हो? खाला दे बेटा, मेरी तबीयत बहुत भारी हो रही है, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। क्या क्या क्या, अभी तो बिल्कुल ठीक चल के आई थी। हाँ तुम दोनों बहन भाई जो ना बस चाल देखते हो और जबान देखते हो, कभी कैफियत मत देखना बेटा। अरे अब तुम क्या खाकर बैठ गई हो? नहीं बतानी तुझे, पहले तू मुझे लाके दे या कोल्ड ड्रिंक लाके दे। खाला मैं बाहर नहीं जा रहा कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, दुकानदार क्या समझेगा कि रोजे में कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ? क्यों, रमजान में क्या लोग भूखे मरते हैं? उनके पेट खराब नहीं होते, उनके मतली नहीं होती, उनकी तबीयत खराब नहीं होती। तुम जो भी कहो, मैं इस गर्मी में बाहर नहीं जा रहा। बैठे हुए नवाब बने हुए, जरा तशरीफ नहीं हिल सकती? गरीब खाला पर कितने जुल्म कर रहे हो तुम लोग, देखेगा अल्लाह। खाला तुम फजूल की बातें मत किया कर, मैं बिल्कुल सही बात करती हूँ। हाँ चल जा, ले जा मेरे लिए मेरा प्यारा भांजा। तुम और सही बात। अच्छा अच्छा, तंज के तीर बजा कर रख, बाद में चला लियो, अभी जाके लेकर आ। खाला तुम यहाँ पे आई क्यों कसम से? साहब जहाँ जाओ पीछे आ जाती है। आए, आए, आए। आई क्यों हो? यही तो राज है। बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही तुमसे बात करनी थी। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे यार खाला ने मंगवाई है वो लेने जा रहा हूँ। इस वक्त? और तुमसे क्यों सौदा मंगवाया, किसी नौकर को भेज के मंगवा लेती? पता नहीं। तुम्हें कुछ पता भी होता है गुड्डू, तुम कैसे आ गए इस दुनिया में? मैं क्या कह रहा हूँ गुड्डू, तुम इतने सीधे क्यों हो? तुमसे जब भी कुछ पूछो या तो तुम्हें पता नहीं होता या कह देते हो मैं क्या करूं। गुड्डू मुझे ऐसे कमजोर इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बनो। ईशा मैं मजबूत इंसान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अब यही देख लो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम मुझे कैसे समझाओ। गुड्डू अपने अंदर थोड़ी हिम्मत पैदा करो। सही कह रही हैं आप। अच्छा बताओ कब तक वापस आओगे? बस यूं गया और यूं आया। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। हाँ ठीक। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद है। पानी पी पानी कभी कुछ बिगड़ ले। चुप साले, तेरा फाका है जो तू रोजा बोल रहा है, ये फाका ले आता है फाका। अबे बगैर नमाज के कोई रोजा होता है? तोड़ रोजा, तोड़ अपना फाका तोड़। मैं जाऊंगा लेकिन मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा। अच्छा
तो फिर ठीक है। राम क्या हो रहा है? अब्बा राम, अब्बा अब्बा चलिए अभी चलिए अभी। क्या हुआ? नहीं जाऊंगी, पहले गरीब को आजाद करो। ओ, चल निकल यहाँ से, तू होती करो मेरे मामा से बोले अली। हाँ हाँ, बदुआ दे दूंगी। यही है जिंदगी। गोली क्या हो गया आपको? भाई गोली मैं तो कह रही हूँ पानी पी लो, जा लाडली पानी लेकर आ और रोजा तोड़ दो। कभी भी नहीं, मुझे मुझे अरे क्या बोल रहे थे, बोल तो ना। तीन, तीन चाहिए, तीन। तीन? तीन तो क्या चलेगा? नहीं नहीं अम्मा, मेरे ख्याल में ये कुछ और बोल रहा है। तीन, तीनों कागज, तीन और कागज। अबे बालम, पेन कागज बोल रहा है, जल्दी से लेके आ। अरे तू रोजा क्यों नहीं तोड़ देता? अल्लाह ने हुक्म थोड़ी दिया अपने ऊपर जुल्म करने का। कभी भी मर जाऊंगा, नहीं तो होगा रोजा। अबे यार तू कटी भी तुम्हारी चुपकली की तरह नीचे पड़ा हुआ। भाई अभी 1.5-2 घंटे हैं अफ्तार खुलने में, रोजा तोड़ दे। मगर तुम लिखोगे क्या ये तो बताओ। क्या आवाज नहीं निकल रही ना? लिखोगे क्या? वसीयत। अरे क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? किस चीज की वसीयत? पास पल्ले कुछ नहीं है, बातें कर रहे हैं। जा बालम पानी लेकर आ। मुझे पानी फेंकी, मैं रोजा नहीं तोड़ू। रोजा तो तोड़ना पड़ेगा तुझे। रहम कर अपने ऊपर गोली, कुछ तो रहम कर। मेरा रिकॉर्ड है, मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा। अबे यार जब तू मर जाएगा तो रिकॉर्ड का अचार डालेगा क्या? पागल हो गया क्या? अंधा देख नहीं सकता था? गिरा दिया पानी मुझ पे। बाबा मुंह खोलो, पानी पियो, दिमाग खराब कर दिया तुमने हमारा। नहीं देखो थोड़ी बस बहुत हो गया, पानी पी लो, समझे? कद्दू बालम आलम आओ, इसको पकड़ो और लाडी इसका मुंह खोल, मुंह खोल, खोल जल्दी लाडी, खोल जल्दी जल्दी। हंगामा हो रहा है। अबे बालम करीने भाभी, ए तू अंदर देख रहा है? और पहली बात आया नहीं, आई हूँ। दूसरी बात कहने से पहले मैं यहाँ से 9-11 हो जा, मैं बहुत गुस्से में तेरा मुंह नोच दूंगी, निकल। हाय हाय मेरी गोल कट्टो, इतना उछल क्यों रही है? 50 रुपए दे, चली जाऊंगी। क्यों, रखवा के क्या था? और रखवा के जाती तो सूत्र में लेती। और ये क्या तुम गरीब पे जुल्म कर रहे हो? तुम्हें इससे क्या, जाओ यहाँ से, कोई तुम्हें पैसे वैसे नहीं दे रहे हम, भागो। हाँ हाँ मैं होते नहीं जाऊंगी, पहले गरीब को आजाद करो। ओ, चल निकल यहाँ से, तू होती करो मेरे मामा से बोले अली। हाँ हाँ बदुआ दे दूंगी, रमजान के महीने में सीधा अर्श पे जाके टकराएगी। अर्श से जाके टकराएगी, सीधा तुझ पे जाके लग जाएगी। चल निकल निकल यहाँ से, दबाओ। हाँ हाँ दबान तो देखो इस कट्टो की, कैंची से तेज चल रही है। अरे चलीदा वरना कैंची देखी दबान से ना तेरी बोटियाँ बनाते ना, खा ले रही बड़ा मसाला लगा दे ताकि इसको आदत है। मेरी बोटियाँ बना दो, लेकिन इस गरीब पे तुम होते नहीं देख सकती मैं। अरे तुझे इतनी हमदर्दी क्यों दादरियत से? आए मेरा भाई है। हे? नन्नी तुझे मैंने पहले नहीं बताया, ये तो आती में खाला, तुमने भी फौरन इसकी बातों पे यकीन कर लिया? देख रही माँ निकल यहाँ से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, भाग। जाते जाते 20 रुपए ही दे दे। अच्छा चल 10 रुपए दे दे। 1 रुपया नहीं दूंगी तुझे, निकल रही है, तुझे धक्के मार के निकालूंगी यहाँ से। सवाली को खाली हाथ भेज रहे हो, रोजेदार को जबरदस्ती पानी पिला रहे हो, कीड़े पड़ेंगे कीड़े। हाँ हाँ कीड़े पड़ेंगे तुझे, निकल यहाँ से। नन्नी दूरी थी आती, मुझे क्या पता क्या हो गया खाला, फौरन ही अनजान बन जाती हो तुम तो। लो पूछूंगी नहीं, जब तो नई बात पता चल रही तो मुझे। हाँ तो अकेले में पूछ लो ना, सबके सामने क्यों पूछ रही हो?
ओहो, अब तुम दोनों लड़ना मत शुरू कर देना। अब ये सोचो इस गोली का क्या करना है, इसकी हालत तो देखो। मैं तो कहता हूँ पानी का पाइप इसके मुंह में डाल के नलका खोल देते हैं, ये यही तरीका है। एक फजूल मसला अपने पास रख, शौहर है मेरा। ओहो, अब तेरे ये थोर हो गया, जब थोर थी दुर्दत बनाती है तब तो ख्याल नहीं आता तुझे। अम्मा आप चुप कर जाए, नन्नी गोली को इसके हाल पे छोड़ दो, रोजा खुलने में भी टाइम ही कितना रह गया। दिमाग खराब कर दिया इसने। नाटक खत्म करो, सब चले गए। पानी ला दे। कितनी देर है? मुझे पानी ला दे चुपके से, पी ना। उठो नापा, सोते रहो। लोग बहुत मसरूफ हो गए आजकल। आलम ऐसी कोई बात नहीं है, अभी मुझे किचन में जाकर इफ्तारी भी बनानी है, गोली के चक्रों में तो इफ्तारी रह ही गई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हें ऐसे अकेला काम में मसरूफ देख के। मैं अकेले कहाँ करती हूँ सारा काम, अम्मा है, नन्नी है मेरे साथ, नन्नी से तो मैं जबरदस्ती भी काम करवा लेती हूँ। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत, इस तरह काम कर करके खराब मत करो। कुछ नहीं होने वाला मेरे हाथों को, तुम मेरी इतनी फिक्र नहीं किया करो। अच्छा तो फिर कौन फिक्र करेगा? तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ तुम्हारे प्यार में। अम्मा बुला रही है। अम्मा बुला रही है, मैं अभी आती हूँ। मुझे ना गोली की बड़ी फितर हो रही है, रहना तो खाला मरेगा नहीं। अरे तू देती है, है? थोड़े साथ ऐसा तुलू तत्ती देते, तुझे थेरात में मिलाओ। आज का हालत तो उसकी यतीमों वाली हो रही है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें गोली पे इतना प्यार क्यों मंडाया? तेरे दान ना भलाई की बात करना ही बेकार है। मैं सब जानती हूँ, बल्कि बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम कितनी खैर ख्वाह हो। लोधे में भी ना दिल मुंह थे, बस बस कलामी नहीं तलने। बातें छोड़ो, पकोड़े बनाओ, तल लो उसे। धनो पान दी तू, मैं तब से तुझे आवाजें दे ली थी, छत पर थी, सूखे कपड़े उतारने गई थी। अरे हर वक्त छत पे पोती रहती है, बात क्या है? काम करने गई थी खाला। थारे दाम तेरे छत पे होते, मुझे सुनाने के लिए बुलाया तो जा रही हूँ। अरे रुक रुक रुक, तू तो बात ना कर, रहने दे नन्नी। अरे मैंने से क्या कह दिया खाला, तुम भी ना जब शुरू होती हो तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। तूने मेरी रफ्तार पे नजर रखी है, चल दा, दाते अपने थोड़ तो दे दाते। ठीक है जा रही हूँ मैं, लेकिन हम इफ्तारी से पहले कोई काम नहीं करूंगी, समझी? गोली को ही देखूंगी, मत बुलाना इफ्तारी से पहले मुझे। और इफ्तारी भी नहीं चलना, समझ गई ना तू? चार साल पहले मैं जिनके यहाँ काम करती थी ना, एक दिन तो पहले मैं उनके घर पोछा लगा रही थी, एकदम से मुझे ऐसा लगा किसी ने खिचक करके ना तस्वीर खींची है छुपके। हाँ हाँ देखा तो, मालिक का बेटा था, उसने भी छुपके तस्वीर खींची थी। हाय मुझे तो कोई ऐसा गुस्सा चढ़ा, वो सूखा सड़ा सा था एकदम, सिंगल पसली। मैंने कहा मैं जोर से पकड़ूंगी ये तो टूट के गिर जाएगा। मैं उसके पीछे भागी भागी भागी, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, एकदम से सेठ साहब आ गए, उसकी तो सिट्टी गुम। और फिर सेठ साहब ने उसकी तो चंपा प्लेट किया है, हाय हाय आज तक अपनी भी तस्वीर नहीं खींचने के काबिल होगा। अच्छा बहुत हंसाती है, बहुत हंसाती है। वैसे सर जी एक बात बोलूं, रास्ते में आप लगते बड़े अच्छे हैं। ओहो क्या बात है, बड़ा हंसा मुस्कुराया जा रहा है, हमें भी तो खबर हो किस बात पे हंसा जा रहा है। वो कुछ नहीं बीबी जी, मैं तो बस सर जी को अपने पुराने मालिकों की किस्से सुना रही थी। अच्छा
हमें तो तुम किससे कहानियां नहीं सुनाती हो। आपको किससे सुनाने का टाइम जो नहीं मिलता। अच्छा अब ज्यादा बातें नहीं करो, चलो मेरे साथ कमरे में, कुछ कपड़े निकाले गरीबों को देने, आ जाओ। वाह तुम्हें तो बड़े बहाने आते काम ना करने के। अरे बीबू जी मैं तो इधर काम ही करने आई हूँ, मैं क्यों बहाने बनाऊंगी। यही है जिंदगी। कौन है? छोड़ोगे भाई? सुकून नहीं मिलता। ये अरे मेरी बात सुनो, खाली जो कैसे सुनते हैं तो ये था अम्मा तोड़ती है मेरे साथ। नहीं अम्मा को गिरा है अम्मा को हो तरीन भक्तों का पता नहीं क्या क्या फिरते रहते हैं। अल्लाह अरे धन्ना अल्लाह अकबर। अरे ये बात है बोल, आज का रोजा बड़ा भारी था यार, अब जाके थोड़ी तबीयत बहाल हुई है। बस शुक्र कर वो रीमा ने तेरा रोजा बचा लिया, वरना आज तो तेरा रोजा गया था। अबे आज फिर तूने तरावी छोड़ दी? वे नहीं यार, पढ़ी थी ना मैंने तरावी, ये देख। मिठाई का डब्बा कहाँ से आया? वो क्या है ना, दूसरी वाली मस्जिद में 15 रोजा तरावी थी, मैं वहाँ गया, मुझे मिल गया ये। अल्लाह माफ करे यार, तूने मिठाई के चक्कर में अपनी तरावी छोड़ कर वो दूसरी मस्जिद में चला गया, बड़ी गुनाह की बात है बॉस। अबे ओ मौसमी मौलवी, तुझे खानी है या नहीं? डब्बा तो खोलना, खानी तो है, ये थोड़ी गिरा। मौलवी ले नहीं है इसका देने को। सब डिब्बो में चमचम है क्या? या मैंने हर डिब्बा खोल के नहीं देखा भाई, तुझे खानी है या नहीं? खा तो रहा हूँ मैं। अबे मुझे ये चमचम बहुत पसंद है, अबे इसका चमकता हुआ चीरा बहुत हालात, ये देख। बाकी लगते घंटा ही खाएंगे। चल 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 आ जा। कुछ और कुछ और यही शुरू हो गया तू। बिल्लो 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 जी बीबी जी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे का डस्टबिन साफ कर लिया करो, क्यों नहीं साफ किया? बीबी जी आपने खुद ही तो कहा था कि मेरे कमरे में ताना नहीं सफाई करना। वाह तुम्हें तो बड़े बहाने आते काम ना करने के। अरे बीबी जी मैं तो इधर काम ही करने आई हूँ, मैं क्यों बहाने बनाऊंगी? अच्छा तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं बोला। ज्यादा बकवास मत करो, जाओ मेरे कमरे का डस्टबिन जाके साफ करो। और सुनो ये मासूम सी शक्ल ना जाके अपने साहब के सामने बनाना, मेरे सामने ये ड्रामे नहीं चलने। गो की काम चोर।
मैं देखती हूँ सही कर रही है नहीं कर रही। आपके पास अब मुझसे बात करने के लिए कोई मौजू भी नहीं बचा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बोलिए क्या बात करनी है उससे। आप इसी वक्त रोज काम लेकर बैठ जाते हैं, यही वक्त मिलता है आपको? मैं तो हमेशा से इसी वक्त करता हूँ, पहले तो आपने कभी शिकायत नहीं की। रोज आपका इंतजार करती हूँ, ऑफिस से आएंगे तो बात करूंगी, लेकिन आप तो इतने मसरूफ हो जाते हैं कि बस अफ्तार के बाद आपको डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि आप टीवी देख रहे होते। मैंने कभी मना नहीं किया आपको बात करने से। फिर भी एजाज क्या हो गया यार मुनिया, क्या हो गया? बिल्लो की आदत है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, किस तरह बैठ के आपसे बातें कर रही होती है वो, आपने बहुत सर चढ़ा रखा है उसे। यार अपनी माँ को याद करके उदास हो गई, रो रही थी, तो क्या हो गया? बहुत ख्याल रहने लगा आपको उसका? यार क्यों एक बात को पकड़ के बैठी हुई आप, इंसानियत भी कोई चीज होती है ना। हाँ लेकिन अगर इंसान के अंदर शैतानियत छुपी हो तो इंसानियत का नुकसान होता है। ये समझ में नहीं आ रहा आप क्यों इतनी बेकार की बातें सोच रही हैं? ये बेकार की बातें नहीं है एजाज, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूँ, वो मुलाजमा है, इसको मुलाजमों की तरह रखिए। अब ये कहने का मकसद क्या है? कभी आपने बात समझी है कि बिल्लो इस घर को अपना घर समझती है, कोई भी काम हो जिम्मेदारी से करती है। ये उसकी अच्छाई है यार, मगर आपको बुराई लगती है, कमाल है यार, थिंक पॉजिटिव प्लीज। मुझसे मोहब्बत करते हो? बेहद। यकीन दिलाओ। कैसे? मेरी तारीफ करके। तुम्हारे बाल बहुत प्यारे, तुम्हारी आंखें बहुत हसीन। नहीं ये तो आम सी तारीफ है, मुझे तो ऐसी तारीफ सुननी है जो आज तक किसी ने किसी की ना की हो। उसके बगैर तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं आएगा? नहीं। अच्छा तो सुन, तुम्हें देखा तो ये ख्याल आया कि जिंदगी तुम्हारे नाम है, इन गेसुओं तले मोहब्बत की परवास करती, इन कथई आंखों में अपनी अना की कश्ती लगो, ये हाथ। अच्छा बस बस, कौन सा डाइजेस्ट पढ़ रहे हो आजकल? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि ऐसी किताबी बातों पर आजकल कोई यकीन नहीं करता। बातें किताबी, जज्बात सच्चे। तो अब बताओ, अब भी भरोसा नहीं है मेरी मोहब्बत? ईशा देखो मुझे गलत मत समझो, तुमसे मिलने के बाद मेरा दिल हर वक्त तुम्हारे ख्यालों में खोया रहा, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा, सच में मैं तुमसे प्यार करने लगा। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया मुझे? चुप कर जाओ काला, खुदा के वासी यही रवैया है ना तुम लोग, इसका ही हाल हुआ। अब मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं, किसके पास अपना दुखना रहूं? नहीं